गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोग के सामने एक छोटा सा टॉपिक बैरिगोन्स थ्योरम लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यूनिट है। ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही VVI है। देखें होता क्या है। एक बार फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक का हो या फिजिक्स पढ़ता हो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगर मेरे इंस्टीट्यूट में आप इंटरेस्टेड हो तो आप टेक्नो मेडी .in पे जाके, मेरे वेबसाइट है technomedi.in, इस पे जाके आप मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए चले हम अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बैरिगोन्स लोन्स थ्योरम बैरिगोन्स थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमेशा आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो होने जा रही है उसमें पूछता है। तो कहता है कि अगर दो कंकरेंट फोर्स है जिसका हम मोमेंट निकालना चाहते हैं तो उसी का, चाहे जितना नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्स हो, सबका बैरिगोन्स थ्योरम से आप मोमेंट निकाल सकते हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट या रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ फोर्सेस आर इक्वल टू द अलजबरिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट और इन द सेम प्लेन। उसी को बोलते हैं बैरिगोन्स थ्योरम। यानी स्टेटमेंट जो है मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट लाइंग इन द सेम प्लेन ऑफ फोर्सेस आर इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इन द अबाउट द सेम पॉइंट इन सेम प्लेन इज नोन एज बैरिगोन्स थ्योरम। इसी को बोलते हैं बैरिगोन्स थ्योरम। कहता मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस या लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट लाइंग इन द सेम प्लेन ऑफ फोर्सेस आर इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन इज नोन एज बैरिगोन्स थ्योरम। अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं। थोड़ा सा प्रूफ पर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं कि दो कंकरेंट फोर्स पी एंड क्यू, देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाई ए बी एंड सी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाई ए बी एंड सी
वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ. वी ड्रा ए पैरेलल लाइन टू द फोर्स ऑफ पी एंड मेक पैरेललोग्राम ए बी डी सी एंड देयर डायगोनल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ पी एंड क्यू. अब क्या करेंगे, बी ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम ए फ्रॉम ओ. ओ से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ए को और बी को. ठीक है, अब कहता है कि टू एडजेसेंट लाइन या टू पैरेलल लाइन पी ए बी एंड ओ डी के बीच में जितना भी ट्रायंगल होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा. ए और बी लाइन और ओ और सी डी लाइन के बीच में जितना भी ट्रायंगल होगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा. तो आइए इसका लिख देते हैं, लेट टू कंकरेंट फोर्स पी एंड क्यू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड वाई ए बी एंड ए सी. बी वॉन्ट टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस पी एंड क्यू पी एंड क्यू अबाउट ए पॉइंट ओ ओ के अबाउट. फॉर दिस बी ड्रा ए पैरेलल लाइन टू द पैरेलल लाइन टू द फोर्स पी अबाउट ए पॉइंट ओ. ओ से पी फोर्स के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं एंड मेक बीच बीच कट द फोर्स क्यू एट सी. सी पर क्या करता है, कट कट करता है. अब क्या करेंगे, ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम ओ. ओ से ए और बी को ज्वाइन कर देंगे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री द ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन ए बी एंड ओ डी आर इक्वल. कहता जितना भी इक्वल टू ईच अदर, इस दो पैरेलल लाइन के बीच में जितना भी ट्रायंगल होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा. यानी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी बराबर ट्रायंगल ए सी डी बराबर ट्रायंगल ए डी बी. क्लियर, इस
लाइन और इस लाइन के बीच में जितना भी ट्रायंगल होगा वो आपस में क्या हो गए, बराबर होंगे। अब आइए बी आपको मैं बताया हूँ, और अगर नहीं बताया तो जरा थोड़ा शांतिपूर्वक सुन लेंगे कि ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट जो होता है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट जो होता है ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट जो होता है ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ पी, मोमेंट ऑफ फोर्स पी अबाउट ओ इक्वल टू टू गुना एरिया ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है टू गुना ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया गुना ट्रायंगल की ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी इक्वेशन वन। फोर्स क्यू का सिमिलरली फोर्स क्यू द मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ओ इक्वल टू टू गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। इसको इक्वेशन दो। अब इस के कारण मोमेंट ऑफ आर अबाउट ओ तो क्या हो जाएगा, टू गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। क्लियर, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब कहता है कि ए ओ डी जो होता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री कन्फिग्रेशन ट्रायंगल ए ओ डी बराबर ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ट्रायंगल ए सी डी। और ए सी डी को हम ए ओ बी लिख सकते हैं, ए सी डी को आप यहाँ पर ए सी डी बराबर ए ओ बी भी लिख सकते हैं, यानी ट्रायंगल ए सी डी बराबर ट्रायंगल ए ओ बी। तो पुट कर देंगे इसमें ट्रायंगल ए ओ डी बराबर ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ बी, यानी इस वैल्यू को यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं, ऊपर चलेंगे यानी मोमेंट ऑफ आर अबाउट ओ इक्वल टू टू गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ बी। यानी अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन सेकेंड एंड थर्ड मोमेंट ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू अबाउट पॉइंट ओ इक्वल टू मोमेंट ऑफ आर अबाउट पॉइंट ओ, यही आपका वैरगेंस थ्योरम है, इसी को बोलते हैं प्रूफ ऑफ वैरगेंस थ्योरम। यही प्रूफ करेंगे तो आपका पूरा नंबर आपको मिलेगा, ध्यान से देख लेना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, टेंशन से पढ़ाई नहीं होता है, एकदम से फ्री माइंड से पढ़ो। और जो मैं बोला हूँ, जो स्पीच दिया हूँ, उसको अच्छा से सुन लो और लिखावट भी देख लो और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देख के आप अच्छा से प्रूफ कर लेगा। यही आपका वैरगेंस थ्योरम है,
फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, टेंशन देने का काम होता है, टेंशन लेके नहीं पढ़ने का है। बहुत इंजॉय करो, इंजॉय करते हुए पढ़ो, ठीक है? ओके, धन्यवाद।